कचरे की पेटी में पड़ा हुआ तिनका आज कसीनो में, यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि कसीनो में आकर तूफान से टकराने की जरूरत कर रहा है। तूफान की बेवकूफी पर मुझे बहुत तरस आ रहा है कि उसने एक पहाड़ को तिनका समझा। जब तू अपने आप को पहाड़ समझता है तो जाहिर है टकराने का हौसला भी होगा। उसी हौसले ने तो मुझे बॉम्बे क्लब में पहुंचाया है। तो फिर हो जाए हमसे भी एक एक बाजी। ओके बादशाह, बेगम, मेरा मौला तू ग्रेट है। विजय, अपने को जितना चाहिए था ना उससे ज्यादा मिल गया है, चल अब निकल ले। तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। मुझे जितना खेलना था वो मैंने खेल लिया। अब मैं यहां रुकूं या जाऊं मेरी मर्जी। यहां लोग आते हैं अपनी मर्जी से लेकिन जाते हैं हमारी मर्जी से। तुझे एक और बाजी खेलनी होगी। और अगर मैं कहूं कि मैं नहीं खेलना चाहता तो मुझे यहां रोकेगा कौन? तुम्हारे ये आदमी? मेरे आदमी तो दूर की बात, पहले तू मुझसे तो बच। विजय, तू भाग, भाग जा।
वो हरामजादा जिस घर में पना ले उस घर को तबाह कर दो, जिस गली से गुजरे उस गली को मिटा दो। अगर वो लड़का हमें नहीं मिला तो हम अपने बेटे की चिता की आग से सारे शहर को जला के राख कर देंगे, सारे शहर को जला के राख कर देंगे। भर दिया जिन जालिमों ने जिंदगानी में जहर, मौत को तरसेंगे अब वो जब मैं ढाऊंगा कहर। आतंकवादियों को डर से सारे शहर में मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या इन हालात पर काबू नहीं पा सकते, क्या पुलिस की ताकत गुंडों से कम है? ऐसी बात नहीं है सर, दरअसल सांगा की दहशत से लोग इतना डरे हुए हैं कि ना ही तो उसके खिलाफ कोई गवाही देता है और ना ही कोई उसे मुकाबला करना चाहता है। दरअसल बेटे की मौत ने सांगा को पागल बना दिया है। सांगा सांगा सांगा, ये नाम सुन सुनकर मेरे कान पक गए। आखिर उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है सर। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। आखिर इसका कोई हल भी तो होगा। इलाज है सर। वो क्या? सांगा और उसके आतंक का मुंह तोड़ जवाब एक ही आदमी दे सकता है। कौन है वो? हमारे डिपार्टमेंट का सस्पेंड किया हुआ एक बहादुर निडर ऑफिसर, इंस्पेक्टर धर्म सिंह उर्फ इंस्पेक्टर हथौड़ा। हथौड़ा? मुजरिमों के लिए धर्म सिंह का रवैया बड़ा सख्त था सर। उसके नाम से जुर्म की दुनिया के लोग कांप जाया करते थे। नाइंसाफी के खिलाफ वो जोश में अपना होश भी खो बैठता था, जिसका शिकार कभी कभी पुलिस वाले भी हो जाते थे। ओ, तो इसीलिए उसे सस्पेंड किया गया था। सर, अगर हम उसे वापस एक बार ड्यूटी पर बुला लें तो मैं समझता हूं कि शहर में एक बार फिर अमन और शांति फैल जाएगी। इस वक्त धर्म सिंह कहां मिलेगा?